राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महात्म की कथा। बंधुओं, यदि अधिक मास में आप अधिक मास महात्म की कथा सुनते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बरसने लगेगी, आपका हर काम बनता चला जाएगा। बंधुओं, अधिक मास में आप अधिक मास की कथा को जब भी सुने पूरी सुने और पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ सुने। बंधुओं, यदि आप अधिक मास में थोड़ा सा भी दान करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। बंधुओं, अधिक मास की कथा सुनने वाले मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, कथा को सुनने के बाद थोड़ा सा हरी संकीर्तन भी मेरे साथ जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ हे कृपा निधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार बताऊंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण
नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे जय श्री कृष्णा।